कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। जलावा जंगल छुप कर रोता रहा, जलावा जंगल छुप कर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तिल्ली में, जिसने पूरे जंगल को जला डाला। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जो लोग पीठ पीछे वार कर रहे हैं, जो इस प्रकार का पीछे से जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उन लोगों को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस मंच पर मैं इस युवा शक्ति के साथ में पिछले 4 वर्ष से हूं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ना आज तक किसी को कुछ बुरा बोला है। जिन लोगों ने मेरे साथ में रहकर मेरे साथ में धोखा किया है, जिन्होंने गद्दारी की है, वो सब जानते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और आज भी वो मेरे से मुझे छोड़कर मेरे साथ गद्दारी करके मेरे से दूर चले गए, फिर भी वो आज मेरी इस वीडियो को नोटिस करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आराम से आंख फाड़ के देख लेना, कान खोल के सुन लेना, एक बार जिसको मैंने खो दिया उसको मैं वापिस कभी नहीं अपनाता। मुझे इस चीज़ का गम होता, इस चीज़ का मुझे ज़रूर दुख होता यदि कोई दूसरा इस प्रकार का षड्यंत्र करता। जिसको मैंने अपना माना उन्होंने ही मेरे साथ में इस प्रकार का जो षड्यंत्र किया है। ध्यान रख लेना, राजपाल कभी घुटने नहीं टेकेगा, मरना मंजूर है। मैं मर सकता हूँ लेकिन घुटने कभी नहीं टेकूँगा। जो लोग चैलेंज कर रहे हैं उनको भी खुला चैलेंज मैं कर रहा हूँ, आ जाना, मैदान खुला है, पता चल जाएगा किसमें कितनी जान है। तो साथियों, जिंदगी में उतार चढ़ाव यूं ही आते रहते हैं। कुछ लोगों का काम है इस प्रकार से एक दूसरे पर जलते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला। बकने का भौंकने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं खामोश हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर है। साथियों, आज हम मुद्दे की अब बात करते हैं। राजस्थान में नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे बड़ा इसमें एक मुद्दा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल चुका है सोशल मीडिया में, और मेरे पास में भी जयपुर से कॉल आ रहे हैं कि सर आवाज़ उठाएं मीडिया तक, जयपुर में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हो, क्योंकि जो ये सफाई कर्मचारी की भर्ती है, इस भर्ती में जो वाल्मीकि समाज है, उन समाज के लोगों का कहना है कि हम कई टाइम से समाज की गंदगी साफ कर रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये में हम सफाई कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी, जब ये इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई तो सरकारी नौकरी हमें मिलना चाहिए था, लेकिन इस नौकरी को वाल्मीकि समाज के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग वर्गों में इसको बांट दिया गया, OBC, जनरल, इसके अलावा ST, अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। हमारी पोस्टों को, हमारे धंधे को, जो हमारा काम था उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन साथियों बता दूँ, इसके बहुत सारे रीज़न है। आज की इस बेरोजगारी में हर युवा को नौकरी चाहिए। मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन इस भर्ती को लेकर बड़े स्तर पर मांग उठ रही है वाल्मीकि समाज की जयपुर में, और हो सकता है आने वाले समय में इस भर्ती पर कुछ आगे रोक भी लगाई जा सकती है, क्योंकि बड़े स्तर पर इस पर मांग उठ रही है और सामने विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार को जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे डाउट है कि इस भर्ती में आगे क्या प्रोसेस रहेगी। यदि इस भर्ती में सही ढंग से यदि चलती है तो भी इसका रिजल्ट निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है इसमें केवल इंटरव्यू। दूसरा रास्ता सरकार के पास में ये भी नहीं है कि मान लो हम पेपर करवा दें। यदि पेपर भी इसका करवा दिया जाए तो ये भर्ती तो अनपढ़ों की है सफाई करने की, तो अनपढ़ पेपर कैसे पास करेंगे बेचारे। सबसे बड़ी दिक्कत वो है, पेपर नहीं करा सकते, अब इंटरव्यू बचा है तो इंटरव्यू में किसको ले। 5 मिनट का इंटरव्यू में आप किसी दूसरे व्यक्ति को, इंसान को कैसे पहचानोगे कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात है कि अनुभव प्रमाण पत्र। राजस्थान में बड़ी बड़ी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। RS, SI, पटवार, टीचर, फर्स्ट ग्रेड, कौन सी भर्ती मुझे बताओ बची है। तो फिर ये इस भर्ती में क्या वो अपनी जान पहचान वाले का इंटरव्यू लेंगे, उसे पास नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, जिसकी ज़्यादा योग्यता होगी उसको लिया जाएगा, तो फिर जो अनपढ़ लोगों की भर्ती है वो क्या करेंगे जो आज तक सफाई करते आ रहे हैं। तीसरी बात, अनुभव प्रमाण पत्र, कि भाई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया, उसका पता ही नहीं चल रहा, ठेकेदार के पास में जाके पूरी डिटेल उसने लिखवा दी, पैसे देकर हर काम हो जाता है, तो करे तो करे क्या। तो आपके जितने भी मुद्दे हैं उन पर लेकर मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरव्यू कब होगा और अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों, अभी 19 जुलाई तक आपके फॉर्म चले गए, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दें। अभी बहुत सारे लोगों ने आवेदन नहीं किया है।
अभी तक मात्र 1,30,000 फॉर्म भरे गए हैं। अभी तक 1,30,000 फॉर्म है वो भरे गए हैं, तो फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। तो अगस्त में आपके इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड आएगा आपका इंटरव्यू का, तो अगस्त में आपके प्रवेश पत्र है वो जारी हो जाएंगे। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछेंगे, तो इंटरव्यू में आपकी विशेष तौर से देखा जाएगा कि भाई आपने पिछली सफाई की है, क्योंकि एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो इसका मतलब आपने एक साल सफाई की है तो आपको नॉलेज होगा। जहाँ पर आपको ने सफाई की है उसके बारे में पूछा जाएगा, वो उस कंपनी में क्या होता था, कौन मैनेजर था, कौन उसका मालिक है, क्या क्या काम होता था, कैसे सफाई की, कैसे आपको वहाँ पर भर्ती किया गया है, सफाई करने के लिए आप भर्ती कैसे हुए, ठेकेदार से आपका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, कितनी सैलरी मिलती थी, सारी डिटेल आपको पूछी जाएगी। यदि आप एक में भी सही से ढंग से जवाब नहीं दे पाए तो आप वहाँ पर पकड़े जाओगे कि आपने सफाई नहीं की, फर्जी सर्टिफिकेट आपने डिप्लोमा बनाया है, आप निश्चित तौर से वहाँ पर पकड़े जाओगे, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। जिसके पास में रियल प्रमाण पत्र है तो उसको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका 100% है वो चयन होगा, ठीक है। ले और सबसे बड़ी बात, 80% लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं। सफाई का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 80% लोग फर्जी बना रहे हैं। 20% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने रियल में सफाई की है, और वो 80% में पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जो सब 10वीं 12वीं पास है सारे के सारे, कोई कॉलेज कर ली, कोई कॉलेज कर रहे हैं, बेरोजगार है, वो लोग हैं जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी अपडेट है। इसके अलावा सैलरी सिलेक्शन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे। तो सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। इंटरव्यू में भाई कैसे होगा रे, इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे, तो सवाल पूछे जाएंगे तो भर्ती अनपढ़ों की है, तो बेचारे अनपढ़ जवाब कैसे देंगे, वो क्या बताएंगे। वो तो सफाई करके दिखा सकते हैं कि हम ऐसे करते हैं, उनको कोई वो थोड़ी नॉलेज है कि ये डस्टबिन है, इसका प्रकार बताओ क्या है क्या नहीं है, ये वो, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हैं इस प्रकार का थोड़ा बता पाएगा। वो नहीं बता पाएगा तो सबसे बड़ी उसकी ये समस्या होगी। दूसरी बात, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों का क्या होगा, ये लोग विशेष तौर से सुन लेना जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले हैं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं बनवाया होगा पैसे देकर। पैसे देकर नहीं बनवाया तो आपकी कोई जानकारी का होगा, उससे आपने बनवाया होगा, और आपने कहीं काम भी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपकी मैटर करेगी। पहली तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जहाँ आपने काम किया है या जहाँ का आपने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर क्या काम होता है। कोई हॉस्पिटल है, मान लो किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई ठेकेदार ने टेंडर लिया सफाई का, वहाँ पर मान लो आपने सफाई की हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के बारे में आपको पूछा जाएगा क्या क्या वहाँ पर सिस्टम है, हैं वहाँ का इंचार्ज कौन था, पूरा लगभग कितने डॉक्टर वहाँ पर बैठते थे, किस किस प्रकार के आँखों का डॉक्टर, कान का ना, किस किस टाइप का डॉक्टर वहाँ बैठता था, कितनी सैलरी मिलती थी, कितने लोग थे आप वहाँ पर, हैं ठेकेदार का नाम क्या था, सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, तो वो आप पता रहना। दूसरी बात, यहाँ पर आपको पूरी जो अनुभव प्रमाण पत्र है इसके दो चांसेज है, क्योंकि आपके पता है विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के जो चुनाव है यदि इसके पास में ये भर्ती करवानी होगी तो कोई अनुभव प्रमाण पत्र की उतनी जांच नहीं करेगा। पहली बात, अनुभव प्रमाण पत्र की उतनी डिटेल से कोई जांच करेगा ही नहीं, जो लेके जाओगे वो चल जाएगा, आपसे बेसिक जानकारी पूछी जाएगी और आपका चयन हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपकी पूरी जाँच होती है अनुभव प्रमाण पत्र की, तो आप पहले से सावधान रहना, क्या सावधानी आपको बरतनी है वो आप एक बार ध्यान देना। पहली बात, आपको उसके अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र में ठेकेदार के नंबर वगैरह रहेंगे, ईमेल आईडी रहेगी, तो वहाँ पर हो सकता है कि जांच हो, वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने काम किया या नहीं किया, इसलिए वहाँ पर आपका पूरा डिटेल बायोडाटा रहनी चाहिए। मान लो ठेकेदार ने ऐसे ही बोल दिया कि काम किया है, और उन्होंने पूछ लिया कि उस बंदे की आपके पास डिटेल हो, आप हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, पिताजी का क्या नाम है वो बताओ, तो ठेकेदार के पास डॉक्यूमेंट आपका कुछ है ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, तो वो कहाँ से बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, इसलिए उनके पास में थोड़ी आपकी डिटेल रहनी चाहिए, उनको पता होना सही है, ये चीज़ आप दिमाग में रखना। इसके अलावा भी और भी वहाँ पर पूछा जा सकता है सैलरी वगैरह के बारे में, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर पूछी जा सकती है, उन चीज़ों को आप नोटिस करना, ताकि आपने फर्जी बनाया है फिर भी, या आपने कहीं से भी बनवाया है, कुछ भी किया है, तो आप बिल्कुल किसी भी झंझट में फंसे ना, इसलिए अपना विशेष तौर से ध्यान रख लेना। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो उनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मैसेज कर रहे हैं, और आपको कुछ पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपका अगले वीडियो में इसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।